नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की खबरों के इस खास बुलेटिन में हम सबसे पहली खबर ले रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पहले चरण के मतदान के बाद घोर परिवारवादी काफी टेंशन में है। एकजुट रहकर अपना वोट जाति और धर्म के नाम पर बांटने नहीं देना है। मुकाबला इस बात को लेकर है कि बीजेपी को कितनी ज्यादा सीट आने वाली है। पूरा देश जानता है कि आएंगे तो योगी ही। पीएम मोदी ने कहा है कि विकास के लिए, रोजगार के लिए, निवेश के लिए शांति का माहौल सबसे पहली शर्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, सुनिएगा। कांग्रेस के बरसों के शासन ने वहां ऐसी स्थितियां बना दी थी, ना व्यापार कारोबार फलता फूलता था, न लोग सुरक्षित महसूस करते थे और हर साल अनेक दंगे होते थे। हर बार खबरें आती थी, वहां दंगा हो गया, वहां दंगा हो गया। वहां पर हर वर्ष जगन्नाथ जी पुरी में जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है ना, वैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और अनुभव यह है, पिछले बीजेपी सरकार आने से पहले 10 साल में 7 साल ऐसे जाते थे कि कोई न कोई दंगा हो जाता था। इतना ही नहीं, पतंग जगाने में दंगा, रास्ते पर आते जाते दंगा, यानी हर साल हर छोटी मोटी बात पे दंगे होते थे। और दंगों की वजह से कर्फ्यू लगता था, संपत्ति जलती थी, हत्याएं होना तो आम बात हो गई थी, लोगों को मोहल्ले के मोहल्ले खाली करके भागना पड़ता था। और इसके बाद खाली मकानों को सस्ते में खरीदकर उस इलाके की पहचान भी बदल ली जाती थी। इसी प्रकार के दुष्चक्र में गुजरात लंबे अरसे तक फंसा हुआ था। गुजरात के लोगों ने जब बीजेपी को मौका दिया तो स्थितियां बदलना शुरू हो गई। हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता कानून व्यवस्था को दी, कानून के राज को दी। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 दशकों से गुजरात में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे राउंड से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की लड़की हूं लड़ सकती हूं की एक और पोस्टर गर्ल बीजेपी में शामिल हो गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कांग्रेस की पोस्टर गर्ल पल्लवी सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। ये कांग्रेस की तीसरी पोस्टर गर्ल हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। इससे पहले प्रियंका मौर्य और वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। पल्लवी सिंह प्रदेश महिला कांग्रेस में महासचिव पद पर थी। वहीं ललितपुर में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अखिलेश यादव के सपने पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने भी एक सपना देखा है जिसमें उनको गब्बर सिंह की शोले फिल्म दिखाई दी थी, जिसमें कहा जाता है कि बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अनोखे अंदाज में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश में लोगों को जगाने के लिए निकली हूं कि प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में मतदान करिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी। काल बेदाग रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के विधायक हुआ करते थे, इनका आचरण और स्वभाव उसके बिल्कुल विपरीत रहा है। और योगी जी की सरकार के समय पर भी यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं। अनुराग जी के संसदीय कार्यकाल में यहाँ बहुत काम हुए हैं और इसी कारण से इनको फिर से जीतना चाहिए। दीदी, भाजपा ने क्या समझा है कि बुंदेलखंड की सीट बिना उमा भारती के नहीं जीती जा सकती? नहीं नहीं, मुझे मेरा भाजपा ने 28 तारीख तक, हाँ ये मैं बताना भूल गई, मेरा समय 8 से 28 20 दिन ले लिए। मैं बुंदेलखंड में सिर्फ 14 तारीख तक हूँ, उसके बाद मैं उधर हूँ,
पूर्वांचल हो, सब तरफ उधर हुए तो सब तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून राज नहीं है। मैं उनकी बातों को जवाब देने लायक नहीं समझती। मैं प्रियंका को ही इतना बड़ा नेता नहीं मानती कि उनकी बातों का जवाब। यूपी सरकार में मंत्री और बिंदकी विधानसभा सीट से अपना दल पार्टी के उम्मीदवार जय कुमार सिंह जैकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री जय कुमार अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ महिलाओं ने उन्हें घेर कर सवाल किया कि 5 किलो अनाज में जिंदगी कट जाएगी क्या, जिसके बाद वो वहां से मुस्कुराते हुए चल गए। तो ये वो वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाओं ने मंत्री जी को घेर लिया और पूछा कि क्या 5 किलो राशन में जिंदगी कट जाएगी, जिसके बाद वो वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। नहीं बेटा, अगर 5 किलो दे दिया तो क्या होता है? 5 किलो में जिंदगी कट जाएगी मेरी, आप सोचिए। संत कबीर नगर के खलीलाबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर समर्थन मांगा है। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। वहीं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे के समर्थकों की माने तो डॉक्टर अमरेंद्र सबसे काबिल प्रत्याशी हैं, इसलिए वो खलीलाबाद विधानसभा के लिए जरूरी हैं। तो संत कबीर नगर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने अपने समर्थकों के साथ आज जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील की है। आज मैं कांटे सुखा गया, वहाँ के लोगों को मिला, वहाँ के लोगों को जो है महंगाई की समस्या से भी लोगों ने अवगत कराया कि भैया जब से जो है भाजपा की सरकार है तब से महंगाई दर मैं उसके बाद कालेपुर चौराहे पर गया, वहाँ भी लोगों का माइनॉरिटी का सारे लोगों का केवल यही मुद्दा है भैया बहुत महंगाई है, इस महंगाई से निजात पाना है। और इस समय जो है टूटना चौराहे पर मौजूद है, यहाँ पे लोगों से जनसंपर्क किया डोर टू डोर, एक एक दुकान में एक एक लोगों से यहाँ मिला और अपने जो है मुद्दों को लेकर सभी लोगों को अवगत कराया। पीलीभीत में आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बीजेपी को झगड़ालू पार्टी बताते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के नाम पर गरीबों, मजदूरों और नौकरी करने वालों ने अपना पेट काटकर चंदा दिया, उस चंदे में चंदा चोरी का मामला मैंने उजागर किया, बीजेपी चुनाव लड़ेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पाकिस्तान के नाम पर लड़ेंगे। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जिन्नावादी पार्टी है बीजेपी, प्रयागराज बिहार में नौकरियों के नाम पर हमारे बेटों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इक्कीस मुकदमा मेरे ऊपर इसलिए हो गया कि मैंने जल जीवन का भ्रष्टाचार खोला, राम मंदिर के जमीन खरीद में हुए घोटाले का भ्रष्टाचार खोला, खुशी दुबे का मामला उठाया, प्रभात मिश्रा के फर्जी इनकाउंटर का मामला उठाया। मैंने उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी मुद्दे जनता के थे वो सारे मुद्दे उठाए, इसलिए मेरे ऊपर FIR हुई। FIR की चिंता नहीं है, पार्टी का दफ्तर इन्होंने बंद कराया, 150 पुलिस वालों से मुझे सीतापुर में गिरफ्तार कराया, पत्नी घर पे थी, 60 पुलिस वालों को भेज के धमकाया कि संजय सिंह कहाँ है, उनको गिरफ्तार करना है, वो सब कुछ हुआ। लेकिन अब इसका अंत होने वाला है, ये सरकार जाएगी और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनता एक सकारात्मक परिणाम देगी, ऐसे मैं भरोसा करता हूँ। तो फिरोजाबाद के टूंडला में क्या है जाट समाज का मोड़, जनता इस बार किसे चाहती है विधायक बनाना, क्या जनता मौजूदा विधायक पर विश्वास करेगी या फिर बदलाव के लिए नए विधायक को चुनेगी, लोगों से राय जाननी चाहिए हमारे सहयोगी किशन चंद, आप भी सुनिए जनता की क्या है राय। न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है, इस समय हम मौजूद हैं टूंडला विधानसभा में और क्योंकि ये ठाकुर अमीर होटल है, यहाँ पर कुछ जाट समाज के लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज ये एकत्रित हुए हैं इसकी क्या वजह है। क्या नाम है आपका? आचार्य राजवीर सिंह। क्या आज आप पूरे जाट समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है अपने राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करना और समस्त जाट समाज को एकजुट कर बनाए रखना। अब तक जो यहाँ देखा जा रहा था कि टूंडला विधानसभा में जाट समाज का जो वोट था वो भाजपा का माना जाता था,
अभी 8 तारीख को यहाँ एक बैठक भी बुलाई गई थी, तो उसमें जाट समाज के लोगों ने भाजपा का समर्थन किया था, क्या कहना चाहेंगे? वो समर्थन गलत है, वो लोगों को जाट समाज को गुमराह करके वो आयोजन किया गया था। जैसे मैंने बताया कि कहते कहते राजनीतिक संगठन है, लेकिन अंत तो गत्ता वो जाट समाज को बुला करके और राजनीतिक संगठन बना देते हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ, गोल आलोचना करता हूँ। कार्यक्रम कुछ नहीं था, क्या नाम है आपका? शेर सिंह राणा, युवा राष्ट्रीय लोकदल कोषाध्यक्ष। शेर सिंह जी, आज यहाँ जाट समाज के लोग एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक भाईचारा, एकता, जिंदाबाद। और कल की एक घटना है, कल विधायक जी एक तिरमी में गए थे गांव गौच में, वहाँ हम उपस्थित थे, तो कोई अतिथि आता है तो उसका स्वागत सम्मान भी करते हैं, तो उसी अनुसार हमने उनका सम्मान किया। लेकिन उन्होंने वहाँ एक ये घोषणा कर दी कि शेर सिंह राणा और रवि चौधरी प्रधान बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। इस समय देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि जाट समाज कहाँ किस तरीके गठबंधन के साथ? जाट समाज एकजुट होकर के गठबंधन के साथ है, चौधरी जयंत के साथ है। अच्छा, हमारे साथ और भी मौजूद है। हमें जब 400 रुपए की रोजाना मजदूरी मिलेगी तो महीने में 12,000 रुपए कमाएंगे, ये 2,000 का 1500 का राशन में पार दौड़नी पड़ेगी हमारी। हम चाहते हैं युवाओं को नौकरी मिले, ये रोजगार रोजगार का मुद्दा है, तो और भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम अमर सिंह पचारी है। अमर सिंह जी, आज लोकदल से जिलाध्यक्ष हूँ, और सबसे पहले हमारी आज जाट सरदारी ने जो गठबंधन के पक्ष में वोट करने की कहा है, इसके लिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। अब बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भाजपा सरकार कई ऐसी लाभकारी योजनाएं गरीबों के हित में चला रही है, जैसे कि अगर किसानों की बात करें तो उसमें किसान सम्मान निधि है, और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, और मजदूरों को 1,000 रुपए खाते में दिए गए, और कोरोना काल में 500 रुपए जनधन खाते में डाले गए, फ्री राशन भी मुफ्त मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सब वोट अकेले लॉलीपॉप है। देखिए, ऐसा है कि हमने किसी ने ये नहीं कहा है कि हम आप फ्री का खिलाइए, हम चाहते हैं हमारे किसान को अपनी उचित का मतलब उचित रेट मिलनी चाहिए, फसल की कीमत मिलनी चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हम किसी के फ्री के खाने के हमें कोई लालच नहीं है, हमें तो अपनी फसल का रेट मिलना चाहिए। हमें अपनी सरकार कहती है कि किसानों को दोगुनी आय हुई है, नहीं बिल्कुल झूठ है, ये हमारी चौगुनी घटी है, ये चौगुनी घटी है हमारी। आप बताइए कैसे हुई है, 2013 में दूध की रेट 30-32 रुपए लीटर थी, ठीक है, और गुड़ की एक पारी 100 रुपए की आती थी, और कड़वा तेल 50 रुपए किलो था, और पेट्रोल तुम्हारी 55-60 रुपए लीटर थी। इंद्रपाल सिंह जी, आज आप यहाँ एकत्रित हुए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य यह है, हमारा जाट जो है वोट एक जगह हो, एक जगह वोट कराएंगे, किसी के दबाव में वोट नहीं कराएंगे, अपने दिल से वोट कराएंगे, अपनी तानाशाही से वोट कराएंगे, हम किसी के दबाव वोट नहीं कराएंगे, ना किसी की ठेकेदारी वोट कराएंगे। अब तक जो टूंडला विधानसभा का जो जाट समाज है वो भाजपा का वोटर रहा है, तो ऐसी क्या आज दिक्कत आ गई कि जो भाजपा से मतलब वोट वोट इसलिए है, जो लोग हम लोगों पर ठेकेदारी चलाते हैं वो ठेकेदारी हम नहीं चलाते, ना हम किसी के बंधन से वोट, एक तरफा आरएलडी में गठबंधन में जाएगा वोट, एक तरफा अपने पूरे जिले को जाटन को वोट जो है एक तरफा गठबंधन को जाएगा, एक वोट भी नहीं कटेगा, और जो दलाल हो एक तो बाकी हम कसम ना खा रहे। चलिए, तो ये थे जाट समाज के लोग, जो इनका कहना है कि कोई इनका समाज का ठेकेदारी नहीं ले सकता, और जो 8 तारीख को जो बैठक हुई थी, 8 तारीख को जो बैठक हुई थी वो एक फर्जी तरीके से हुई थी, और उसका ये लोग इन्होंने खंडन किया है, और इनका जो कहना है कि 20 मार्च को जो मतदान होगा वो 20 फरवरी को जो मतदान होगा वो राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के पक्ष में होगा। फिरोजाबाद से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए किशन। वहीं दर्शकों, मथुरा में युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन का रिश्ता तय करके घर लौट रहा था, रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई।
मृतक की बहन ने महिला पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवक जमुना पार के अंबेडकर नगर कॉलोनी का रहने वाला था। उन्नाव में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पीएल पुनिया का कहना था कि लड़की का गला दबाकर बड़ी बेरहमी के साथ हत्या की गई है। प्रशासन भी मिला हुआ है। प्रशासन ने लड़की और उनके घरवालों के साथ न्याय नहीं किया। जब लड़की की मां अखिलेश यादव की गाड़ी के आके आत्महत्या करने की कोशिश करती है तब पुलिस FIR लिखती है। वहीं प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर न्याय दिलाने की बात कही है। गला दबा के मारा गया है और ज़मीन में गाड़ दिया गया, तो इससे ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। वो अभी आज घटना को सुन के हम लोग होते हैं और परिवार से विस्तृत बात की है। प्रियंका जी ने भी जो के उत्तराखंड में दौरे पर हैं वहाँ से परिवार से उनकी लड़की के माँ से भी बात की, तो ये और सांत्वना बैठी। इस पूरे मामले से बहुत स्पष्ट है कि पुलिस मिली हुई है बुरी तरह से। जो आरोप जब लगाते हैं 8 दिसंबर 2021 को जब आरोप ये लगा के दिया कि हमारी लड़की को अगवा कर ले गए हैं। आगरा की थाना हरी पर्वत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है, साथ ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से पुलिस को नकली नोट बनाने वाली मशीन सहित नकली नोट बरामद मिले हैं। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर ये सब पूर्ण जानकारी दी है। आगरा पुलिस ने थाना हरी पर्वत क्षेत्र में ASP हरी पर्वत के नेतृत्व में स्वात टीम और थाना हरी पर्वत की टीम ने दबिश डालकर मुखबिर की सूचना पर एक गाड़ी को पकड़ा और उस गाड़ी से फर्जी नोट और नोट बनाने की सामग्री बरामद हुई है। और जब उनके नोटों का आकलन किया गया तो 2000 के नोट जो प्राप्त हुए वो सब एक सीरियल नंबर के थे। फिर उनसे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होंने इस बात को कबूला कि वो नोटों को जीरोक्स कर उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को लोग कॉपी करते हैं, जैसे कि कुछ गांधी जी के फोटो का एम्बलम फोटो का वो लोग स्टैम्प बनाकर उसमें डालते हैं और जो ब्लू पट्टी होती है वो भी उस लोग उसमें डालते हैं, जिससे नोट पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो सही नोट और उसे मार्केट में चलाकर उसका दुरुपयोग करते हैं। तो अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।